ये इंदौरी होली का रंग है जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बल्लेबाज बने हैं और अपने घर के नजदीक युवाओं के बीच में युवा क्रिकेटर के तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं होली के रंग कितने उनके जीवन में मायने रखते हैं। कैलाश जी, हर बार कुछ नया करते हैं आप, इस बार क्रिकेट खेलते हुए हम आपको देख रहे हैं, कई सालों से आप खेलते हैं, गली के युवाओं को कैसे खेल से जुड़ रहे हैं? देखिए, लगभग मेरा ख्याल 40-45 साल से हम लोग खेलते हैं, ये चौथी पीढ़ी है जो खेल रही है। मतलब हमारी जो पहली पीढ़ी आपने देखा होगा, वो भाव साहब जो बॉल डाल रहे थे मेरे को, वो हमारी पहली पीढ़ी है। तो हम लोग जब से खेलते आ रहे हैं, भाव साहब जब जवान थे जब खेलते थे हम उनके साथ, हम छोटे बहुत बच्चे थे उस समय। तो एक्चुअल में व्यस्तता इतनी रहती है कि मोहल्ले वालों से मुलाकात नहीं हो पाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। तो अब रात भर साथ में रहते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे से परिचय लेते हैं, तू किसका लड़का है, तू किसका लड़का है, तू किसका लड़का है, तो सबसे परिचय भी हो जाता है मोहल्ले में और होली का आनंद भी लेते हैं। क्रिकेट फिटनेस का एक खेल है, आप फिजिकल क्या फिटनेस आपका मंत्र है, क्योंकि अभी तक आप फिट हैं और लगातार हमने देखा चौके छक्के भी खूब अभी लगाए हैं आपने। देखिए, डेली व्यायाम तो करना चाहिए और मैं लगभग 40 वर्षों से व्यायाम करता हूँ। इलेक्शन आ जाते हैं तो कुछ विशेष अभियान आ जाते हैं तो उस वक्त जरूर थोड़ा सा चूक हो जाती है। जैसे अभी मैं एक डेढ़ महीने नहीं कर पाया, मेरी कमर में बहुत पुरानी चोट थी, वो उभर के आ गई थी। एक डेढ़ महीने एक्सरसाइज नहीं कर गया तो मेरा वज़न 3 किलो बढ़ गया, तो अब मैं उसको कैसे भी लाइन पे ले आऊँगा। मेरा वज़न 90 से 74 है और 75 से बिल्कुल वैसे ही रखता हूँ, उससे आगे बढ़ने नहीं देता हूँ। मेरा नाप पहलवान टेलर के दादाजी ने लिया था, दो नाप आज भी अभी बहुत चौके छक्के लगाए। राजनीति के मैदान में आपके चौके और छक्कों का इंतजार जनता भी कर रही है, क्या कहेंगे? मौका मिलेगा तो करेंगे वो भी, अब चुनाव आ रहे हैं, अब चौके छक्के मारने वाले दिन आ गए। होली रंगों का त्यौहार है, हर चेहरे पर एक रंग होता है, खिलखिलाने का रंग होता है, इस त्यौहार पर कौन सा रंग जो है आप संदेश संप्रेषित कर रहे हैं समाज को? देखिए, रंग तो खुशी का रंग होना चाहिए और हम तो जहाँ भी जाते हैं खुशी ही बांटते हैं, पर ये जो होली है थोड़ी चुनावी रंग भी है, इसमें चुनाव का रंग भी है, तो वो भी आपको दिखेगा ही। मुझे लगता है कि त्यौहार, विशेषकर होली का त्यौहार, तो यदि साल भर में किसी से त्रुटि हुई तो आप गुलाल लगा के माफ़ी मांग लो, किसी से बोलचाल बंद है तो आज बोलचाल चालू कर लो। ये त्यौहार एक अलग प्रकार का संदेश देता है, मेल मिलाप का, और इसलिए हम इसका सदुपयोग भरपूर करते हैं। आखिरी में एक सवाल और, बीजेपी की टीम तो पूरी तरह से तैयार है, खिलाड़ी मुस्तैद हैं, मैदान में है, कमलनाथ जी की टीम थोड़ी लड़खड़ाई नजर आती है, आप क्या मानते हैं, क्या कमलनाथ जी की टीम टक्कर देगी कांग्रेस की टीम बीजेपी की टीम? देखिए, पिछली बार भी हम और यदि साल भर में किसी से त्रुटि हुई तो आप गुलाल लगा के माफ़ी मांग लो, किसी से बोलचाल बंद है तो आज बोलचाल चालू कर लो। ये त्यौहार एक अलग प्रकार का संदेश देता है, मेल मिलाप का, और इसलिए हम इसका सदुपयोग भरपूर करते हैं। आखिरी में एक सवाल और, बीजेपी की टीम तो पूरी तरह से तैयार है, खिलाड़ी मुस्तैद हैं, मैदान में है, कमलनाथ जी की टीम थोड़ी लड़खड़ाई नजर आती है, आप क्या मानते हैं, क्या कमलनाथ जी की टीम टक्कर देगी कांग्रेस की टीम बीजेपी की टीम? देखिए, पिछली बार भी हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए कमलनाथ जी थोड़ा सा 2-4 सीट हमसे ज़्यादा ले गए थे। अब हम भी सचेत हैं और ऐसा कोई मौका नहीं देंगे कांग्रेस को, और इसलिए फिर से हम सरकार हम बनाएंगे। स्कोर क्या रहने वाला है? अच्छा भला, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम गिरी से गिरी हालत में 150 सीट आई है हमारी। तो देख सकते हैं सियासी बल्लेबाज के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं और जब मौका मिलता है होली के रंग बिरंगे त्यौहार का तो गली के युवाओं के साथ में क्रिकेटर भी बन जाते हैं। यह है कैलाश विजयवर्गीय का एक जुदा अंदाज़ बयां। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।